Welcome back in another video discussion of what is the diagnosis. इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास कोई क्लिनिकल सिचुएशन आती है, कोई पेशेंट हमारे सामने प्रेजेंटेशन के साथ आता है, तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए टू रीच अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस और अ डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज. उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्ल्स एंड क्लिनिकल क्लूज को डिस्कस करेंगे जिससे हम डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो वेलकम अगेन. मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. मैनी टाइम्स वेल पेशेंट केयर वी फेस चैलेंजेस फॉर द डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. इन सच सिचुएशन सर्टन टिप्स कैन हेल्प टू रीच द डायग्नोसिस. होता क्या है कि जब भी हमारे सामने कोई पेशेंट आता है तो वो हमारे सामने सिम्टम्स लेके आते हैं. तो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इस्टेब्लिश अ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन इन सिम्टम्स. उनकी किसी जो सिम्टम्स कोई तकलीफ है उसके ऊपर हमें डायग्नोसिस को फ्रेम करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है. ऑलराइट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशनल टीचिंग सेज दैट हिस्ट्री टेकिंग रिमेंस ऑलवेज अ ग्रेट टूल इन पेशेंट मैनेजमेंट. ये हमें बताया गया कि प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन. देन वी हैव टू फिगर आउट कि व्हाट आर द डिफरेंशियल्स, क्या क्या डिजीज हो सकती हैं. ऑलराइट, बट होता क्या है कि नाउ इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस अ पेशेंट विद मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन एंड सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरलैप. कई बार क्या होता है कि हमारे सामने पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको एक से ज़्यादा बीमारी होती है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, थायराइड के प्रॉब्लम्स भी है, मोटापा भी है. और ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जो सिम्टम होते हैं, जो तकलीफ होती है, वो कई बार एक कॉमन तकलीफ होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना एक कॉमन सिम्टम्स हो सकता है कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीज़ का. हमें पता है कि सांस फूलना कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ में भी हो सकता है, और कोई लंग्स की पैथोलॉजी उसमें भी हो सकता है. इवन इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ में शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ प्रेजेंटेशन हो सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है, नाउ प्रॉब्लम होती क्या है, हियर द प्रॉब्लम अराइज टू डिफरेंशिएट वेदर दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम. ऑलराइट, ये जो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ पेशेंट का है, ये बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर की वजह से, या कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से. तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसको फिगर आउट करना पड़ता है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिचुएशन होती है कि हमें किस चीज़ को या कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है. और हमने देखा है कि फीवर इज ऑलवेज अ ग्रेट मैस्कुलेटर इन द न्यूमरस मेडिकल कंडीशन. बुखार बहुत ही कॉमन सिम्टम है, रेंजिंग फ्रॉम इवन सिंपल वायरल यूआरआई से अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लेके इट कैन हैपन इन द मैलिग्नेंसी ऑल्सो, कैंसर तक में भी फीवर आ सकता है. सो दीज आर द सिम्टम्स, और उनको हमें प्रॉपरली अप्रोच करना है, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट क्लिनिकल सिनेरियो. तो हमें करना क्या है उस ऐसे केसेस में, सो हाउ टू प्रोसीड इन सच कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल सिचुएशंस. यस, डेफिनेटली देयर आर सम क्लू एंड पल्स. उन क्लूज एंड पल्स को हमें जानना है. ऑलराइट, सो वी आर हियर एंड यस वी हैव अ पाथ टू फॉलो. हम इन पाथ को प्रॉपरली फॉलो करके पेशेंट के हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस या वर्किंग डायग्नोसिस तक हम रीच कर सकते हैं, एंड वी कैन प्लान इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो व्हाट आर द क्लूज, क्या है पहला जो क्लूज है, पहला जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू है, दैट इज कार्डिनल सिम्टम अप्रोच. कार्डिनल सिम्टम अप्रोच पहला एक इंपॉर्टेंट क्लू है. हमें ये जानना है कि व्हाट आर द कार्डिनल सिम्टम्स. ऑलराइट, कार्डिनल सिम्टम्स क्या होते हैं. कार्डिनल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं दैट लीड टू डायग्नोसिस. दीज आर द वेरी वेरी स्पेसिफिक सिम्टम्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम. ऑलराइट, एंड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम. इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द वेरी पिक्यूलियर एंड स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सिस्टम. यदि कोई पर्टिकुलर हमारा सिस्टम कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, GI ट्रैक्ट या रीनल सिस्टम, यदि कोई डिसफंक्शन है, तो उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम पेशेंट को आता है, एंड वो बहुत ही क्लासिकल होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के लिए. उसको हम बोलते हैं कार्डिनल सिम्टम. हमें क्या करना है, इन कार्डिनल सिम्टम्स को बस याद रखना है. और अच्छी बात यह है कि कार्डिनल सिम्टम्स आर वेरी फ्यू एंड इजी टू रिमेंबर. ऑलराइट, ये बहुत कम है और इनको बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं. सो एक हम क्लिनिकल सिनेरियो लेते हैं और समझने के लिए कि कार्डिनल सिम्टम्स कैसे होते हैं और कैसे अप्रोच करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक केस प्रेजेंटेशन है, हम लेते हैं इसको. ए मिडिल एज पेशेंट कंप्लेन ऑफ सीजर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इन दिस पेशेंट फर्स्ट थिंग्स कम्स इन द माइंड दैट दिस पेशेंट माइट हैव सम पैथोलॉजी रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल्दो ही मे हैव अदर डिजीज टू. सो हियर सीजर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बीइंग अ कार्डिनल सिम्टम. मान लो हमारे पास कोई 45 ईयर का मेल पेशेंट कोई आया हमारे पास, जो कि बोल रहे हैं कि मुझे दौरे आए थे और मैं बेहोश हो गया था. तो पेशेंट के सिम्टम्स से हमें फर्स्ट थिंग हमारे जो दिमाग में ये बात आती है, ये समझ में आती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो वो सिम्टम जो कि हमें एक
मैपिंग करता है, हमारे ब्रेन की मैपिंग करता है कि क्या सिस्टम, कौन सा ऑर्गन सिस्टम पेशेंट का एट फॉल्ट है या किसकी वजह से वो दिक्कत हो रही है, उसको बोलते हैं कार्डियल सिम्टम्स। हो सकता है कि ये सीजर्स का या पेशेंट के बेहोश होने का रीजन और भी कुछ हो सकते हैं, बट फर्स्ट थिंग हमारे जो पहली बार हमारे जो माइंड में स्ट्राइक करती है कि वी शुड रूल आउट द फर्स्ट थिंग दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसी कोई सीएनएस की कोई पैथोलॉजी तो नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को ये दौरे और बेहोशी आ गए। तो यही होते हैं कार्डियल सिम्टम जो कि टिपिकल क्लिंच करते हैं टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। ऑलराइट, एंड देयर आर फ्यू कार्डियल सिम्टम्स लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्डियल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, सीजर्स, हेडेक, हेमीपेरेसिस, हेमीप्लेजिया, मसल वीकनेस, स्पीच प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, दे आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ सीएनएस डिसफंक्शन। लाइकवाइज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए प्रिकॉर्डियल चेस्ट पेन, हैवीनेस, पैल्पिटेशन, डिस्निया, स्पेशली एफर्ट एंजाइना। पेशेंट जब चलेंगे बताएंगे जब मैं बैठा रहता हूँ तो दिक्कत नहीं होती, जब हम चलना शुरू करते हैं तो सांस फूल जाती है, तो ये टिपिकल होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का टिपिकल क्या होगा, कॉफ होता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है, स्पूटम प्रोडक्शन, हिमोप्टाइसिस, डिस्निया, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड फीवर, ये सारे टिपिकल कार्डियल सिम्टम्स होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लाइकवाइज एब्डोमिनल सिम्टम सिस्टम के क्या हो सकते हैं, हेमाटेमेसिस है, मलीना है, हिमाटोचेजिया है, जॉन्डिस है, एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल फुलनेस है। सो दीज आर द टिपिकल ऑफ एब्डोमिनल सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट। लाइकवाइज यूरिनरी सिस्टम में क्या हो सकते हैं, बर्निंग मिक्चुरेशन, फ्लैंक पेन, फ्लैंक मास, नॉक्टूरिया, यूरिनरी हेजिटेंसी, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हिर्सुटिज्म, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिक्रीज लिबिडो, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी। एंड लाइकवाइज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए मसल वीकनेस, मसल एट्रॉफी, बोन पेन, बोन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, क्लाइंबिंग। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए क्या क्या हो सकते हैं कार्डियल सिम्टम्स लाइक हॉर्सनेस, लिथार्जी, वेट गेन, वेट लॉस, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग। इसी तरह से इंटीग्रुमेंट्री सिस्टम के लिए क्या हो सकते हैं, स्किन डिस्कलेशन, लॉस ऑफ हेयर्स, लॉस ऑफ नेल, नेल चेंजेस, स्किन चेंजेस। राइट, लिम्फेटिक सिस्टम्स के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए क्या हो सकता है, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, अर्टिकेरिया, एलर्जिक सिम्टम्स एंड पुअर बोन हीलिंग। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं दे आर द टिपिकल कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। सो विद द आइडिया ऑफ कार्डिनल सिम्टम आवर अप्रोच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक वर्कअप फॉर द ऑर्गन सिस्टम कंसर्न। ओके, इसको हम समझते हैं एक केस सिनेरियो से। सो कार्डिनल सिम्टम अप्रोच क्या है, हमें बताता है कि यदि हमने पहले पेशेंट का जो सिम्टम्स है उसको कोरिलेट कर लिया कि पॉसिबली ये ऑर्गन सिस्टम इसमें डिफेक्टिव है या ये ऑर्गन सिस्टम की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमारा अप्रोच रहेगा टू डू द डायग्नोस्टिक वर्कअप रिगार्डिंग दैट ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो बेसिकली हमारा अप्रोच रहता है सिम्टम टू डायग्नोसिस। पेशेंट हमें सिम्टम बताते हैं और हम उनसे डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से केस वन, इट इज ए मिस्टर एक्स इज अ 50 ईयर ओल्ड मेल, नॉन डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ऑन रेगुलर मेडिसिन फॉर 10 ईयर्स, अटेंड ओपीडी विद इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ फॉर 1 month, ड्यूरेशन विद प्रिकॉर्डियल हैवीनेस, समटाइम व्हिच रिलीव विद द रेस्ट। हियर इज द पेशेंट, और 50 ईयर ओल्ड मेल, ब्लड प्रेशर 160 110, अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी, एंड ऑल्सो हिस्ट्री क्या, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रायर कार्डिक इवेंट, फीवर, कॉफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। सो ये हमारा केस सिनेरियो है, 50 इयर्स के मेल पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, रेगुलर मेडिसिन है, 10 सालों से ले रहे हैं, अब ओपीडी में आ रहे हैं विद इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, बता रहे हैं कि मैं इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ फॉर लास्ट 1 month से हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रूल आउट, वी हैव टू इवेल्युएट कि इनके प्रेजेंटेशन का क्या कारण हो सकता है सिम्टम्स का। क्लियर, एंड देर इज नो हिस्ट्री ऑफ कोई एनी प्रायर कार्डिक इवेंट, पुराने इनको कोई कार्डिक हिस्ट्री नहीं है, पहले से कोई इनको कार्डिक इवेंट नहीं हुआ है, फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कॉफ एक्सपेक्टोरेशन की हिस्ट्री नहीं है। सो इन दिस पेशेंट कार्डिनल प्रेजेंटिंग सिम्टम इज प्रिकॉर्डियल हैवीनेस एंड शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स सीवियर प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो कार्डिनल सिम्टम्स क्या इनके हैं, प्रिकॉर्डियल हैवीनेस है, हमें पता है वो टिपिकल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, एंड शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ भी रहता है, सो ये पॉइंट करता है कि दिस पेशेंट मे हैव सम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। ऑलराइट, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम अंडरलाइंग। ऑलराइट, सो सिंस दिस पेशेंट इज हैविंग अ ड्यूअल रिस्क फैक्टर फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज, डायबिटिक है पेशेंट को, हाइपरटेंसिव है, तो ये दोनों रिस्क फैक्टर है इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए, तो हो सकता है कि ही मे बी डेवलपिंग इस्केमिक हार्ट डिजीज। सो इन सच पेशेंट सीवियस वर्क टू बी डन प्रॉपरली टू इवैल्यूएट आईएचडी। सो इनमें हमें क्या करना है, पहले आईएचडी को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वर्कअप करना है कि पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज तो डेवलप नहीं हो रहा है। ऑलराइट, और ये दिस इज द गोल्डन लाइन वी हैव टू रिमेंबर, कार्डिनल सिम्टम प्रोवाइड्स अ गेटवे टू इंटर इन द मेडिकल वर्ल्ड ऑफ साइंस, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। कार्डिनल सिम्टम्स के थ्रू ही हम जो है
इस पूरे एक मेडिकल वर्ड में एंटर कर सकते हैं, पेशेंट का साइन को, सिम्टम्स को, एंड डायग्नोसिस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू दैट कार्डिनल सिम्टम्स। ऑलराइट, सो दिस इज पार्ट वन ऑफ कार्डिनल सिम्टम अप्रोच। हम ऐसी वीडियो भी नेक्स्ट पार्ट टू में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स क्लिनिशियन के साथ आप शेयर करो हु आर इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर। ऑलराइट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन फॉर द न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस। और यदि कोई सजेशन है, कोई टॉपिक यदि आप चाहते हैं पर्टिकुलरली टू डिस्कस ऑन, सो पुट योर टॉपिक्स और सजेशन इन द कमेंट बॉक्स एंड हम उसको आगे फ्यूचर में बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, होप कार्डिनल सिम्टम समझ में आया होगा, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो इन दिस वे वी लर्न हाउ टू मेक अ डायग्नोसिस इन क्लिनिकल मेडिसिन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।